हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 50 यूनिट है, मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, उससे संबंधित हम टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अभी तक अलग अलग यूनिट्स के लगभग 30 टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यवाही थी, तो मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यवाही के समय काल पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1956-57। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची, और यह पंचायती राज से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उमा भारती थी। कौन? यह मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन? उमा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंत्री के रूप में क्रमानुसार मध्य प्रदेश के अधोलिखित मुख्यमंत्री को आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाश चंद्र सेठ ही आए थे, उसके बाद अर्जुन सिंह, उसके बाद दिग्विजय सिंह, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। यहाँ आपके लिए बता दूं कि एमपीपीएससी में हर बार एक या दो क्वेश्चन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के क्रम से पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी। तो आप सभी को पता होगा कि 1956 में जो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें थीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 288 थी। और जो छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में 230 सीटें शेष रही थीं, और 1956 में कितनी थीं, तो 288, और 1 नवंबर सन 2000 को कितनी थीं, 230। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था की नींव डालने का श्रेय किन्हें जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था कि नींव डालने का जो श्रेय है किसे जाता है, राजीव गांधी को जाता है, क्योंकि यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे। तो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी श्री सुरेंद्र कुमार थे। कौन? श्री सुरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज हेतु स्थानीय सुशासन के लिए क्या सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं राज्यपाल से संबंधित। तो मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल पंडित रविशंकर शुक्ल थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया थे, ना कि पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो यही बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल है कौन थी? सरला अग्रवाल थी। कौन? सरला अग्रवाल। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो 3 बार लग चुका है। कब कब? 1977 में, 1980 में और वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 से, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को ही राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो यह मुख्यमंत्री का सलाहकार है, उसकी आँख एवं कान होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसे संकट काल में राज्य का नर्व सिस्टम कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। और राज्य लोक सेवा से चयनित मुख्य पदाधिकारी होता है, तो यही बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि राज्य लोक सेवा से चयनित
पदाधिकारी भी कभी कभी मुख्य सचिव बन जाते हैं। और नेक्स्ट है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो इसका गठन पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 के तहत किया गया था। बिल्कुल सही है, ये 2020 पीएससी में आया था कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को गठन किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत किया गया था, तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि इसका गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि इसने 1958 से परीक्षा संचालन संबंधी कार्य प्रारंभ किया था, यह बिल्कुल सही है। और पीवी दीक्षित इसके पहले अध्यक्ष थे, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि डीवी रेंगे इसके पहले अध्यक्ष थे, ना कि पीवी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्हें राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी, तो जो सरकारी आयोग है इसका गठन वर्ष 1983 में किया गया था और इसने कुछ सिफारिशें दी थी, जैसे राज्यपाल संबंधित राज्य के बाहर का होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के समय, तो यही बिल्कुल सही है। और इसमें ऑप्शन सी है, इसमें हम इंग्लिश में देखेंगे स्पेशल केयर शुड बी टेकन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द अपॉइंटमेंट, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति के समय जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो यही बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है कि सभी सिफारिशें सत्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके प्रति किसी भी कोर्ट में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी, तो अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार सौंपे गए हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किन नगरों के महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन, इन 5 शहरों या 5 जिलों के महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सही आरोही कालक्रम को पहचानना है, तो सबसे पहले उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सबसे पहले उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का क्या उद्देश्य है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ई पंचायत के घटक में क्या क्या शामिल है, तो मध्य प्रदेश ई पंचायत के घटक में क्या क्या शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल सही, कंटेंट मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और इसके अलावा कनेक्टिविटी, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस री इंजीनियरिंग आदि सभी मध्य प्रदेश ई पंचायत के घटक में शामिल किया जाता है इनको, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो चौथा संशोधन हुआ था कब, 28 दिसंबर 1996 को, कब, 28 दिसंबर 1996 को इसमें चौथा संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत पंचायत निधि निर्माण संबंधी प्रावधान लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे, कौन, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर या मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिवस ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अनिवार्य नहीं है, तो निम्न में से किस दिवस पर ग्राम सभा की बैठक का आयोजन अनिवार्य नहीं है, तो गणतंत्र दिवस पर है, बिल्कुल सही, स्वतंत्रता दिवस पर है और श्रम दिवस पर है, और इसके अलावा गांधी जयंती या 2 अक्टूबर पर भी ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जबकि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 से मानी जाती है, कब से, 2 अक्टूबर 1980 से मानी जाती है, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को
रोजगार दिलाना। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? समन्वित ग्रामीण विकास योजना की 2 अक्टूबर 1980 से। नेक्स्ट है कि किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है कि जिला पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो जिला पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम जनसंख्या है जो कितनी होनी चाहिए? 50,000 होनी चाहिए। कितनी? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं यह कौन थे? एम हिदायतुल्ला थे। कौन? एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अधोलिखित राज्यपालों को उनके पद ग्रहण तिथि के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, सबसे पहले केसी रेड्डी आए थे, उसके बाद एनएन बांचू आए थे, मतलब निरंजन नाथ बांचू आए थे, उसके बाद भगवदयाल शर्मा आए थे, और उसके बाद श्री राम प्रकाश गुप्ता आए थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 230। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, कहाँ पर है? इसकी मुख्य पीठ जबलपुर में है, और इसका जो निर्माण है राजा गोकुलदास के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राजा गोकुलदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कब कराया गया था इसका निर्माण? 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 74 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 12वीं अनुसूची, और यह नगरीय निकायों से संबंधित है, और इसमें कुल 18 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित लोकसभा सीटें पूछी गई हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। कितनी? 29 लोकसभा सीटें। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, और गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायतों हेतु वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव संबंधी अध्ययन किस समिति ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसडी मिश्रा समिति ने। वर्ष 1961 में गठित एसडी मिश्रा समिति का संबंध पंचायत एवं सहयोग संबंधी अध्ययन से है, जिसे वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट कौन सा है? तो वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट बन गया है। कब? 2017-18 में। कौन सा हाईकोर्ट? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में द्वितीय संशोधन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो द्वितीय संशोधन है कब किया गया था? 23 दिसंबर 1994 को। कब? 23 दिसंबर 1994 को द्वितीय संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार आयुक्त या कमिश्नर एक नगर निगम का क्या होता है? तो जो कमिश्नर होता है यह नगर निगम का CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO भी कहा जाता है, और इसका जो वेतन है नगर निगम के कोष से दिया जाता है, और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम है, इसे कब आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 जुलाई 2012 को किया गया था। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम वर्ष 1995 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो किस राज्य में एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो कुछ राज्य हैं जैसे केरल हो गया, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा कौन कौन से, अभी हमने बताया कौन कौन से, केरल है, त्रिपुरा है, सिक्किम है और मणिपुर और जम्मू कश्मीर। इन चारों ही या पाँचों राज्यों में एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम मध्य प्रदेश पंचायती राज कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 2001 में। 26 जनवरी 2001 को 5वें संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज इसका नाम कर दिया गया। किसका? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का नाम बदलकर मध्य प्रदेश पंचायती राज कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर कौन थी?
तो मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर श्रीमती जमुना देवी थी। कौन? श्रीमती जमुना देवी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध भवन चार्ल्स कुरिया के निर्देशन में डिज़ाइन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, भारत भवन भोपाल 1982, जवाहर कल्प केंद्र जयपुर और गांधी मेमोरियल अहमदाबाद। तो इन सभी का जो निर्माण है चार्ल्स कुरिया के निर्देशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित कीजिए, यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा दी गई है। अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन दिया गया है। अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या दिया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व, यह गांधीवादी अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? तो जबलपुर से हुआ था। किस नगर से? जबलपुर से। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो प्रावधान है एंग्लो इंडियन का राज्य की विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत किया गया है। लेकिन अभी जो नवीनतम संविधान संशोधन हुआ है कौन सा 104, इसके अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया गया है 104 में संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक निम्नलिखित में से कौन नाटक शालाओं एवं सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगा सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो नाटक शाला और सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जनपद पंचायत। क्या जनपद पंचायत है यह नाटक शाला और मनोरंजन पर कर लगा सकती। नेक्स्ट है कि 73 में संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव कब प्रारंभ हुए थे? तो मार्च अप्रैल वर्ष 1994 में संपन्न हुए थे। कब? मार्च अप्रैल वर्ष 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? तो समन्वित विकास या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब से हुई? अभी हमने देखा था कि 2 अक्टूबर 1980 से इसकी शुरुआत हुई और इसका क्रियान्वयन करने का दायित्व किसका है? तो जनपद पंचायत का है। किसका? जनपद पंचायत का। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर निम्न में से किस संगठन के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कौन? बाबूलाल गौर। यह है किस संगठन के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। कौन? बाबूलाल गौर। और यह देश का पहला मजदूर संगठन है। कौन? भारतीय मजदूर संघ है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति या रिटायर होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो उच्च न्यायालय की कितनी है? 62 वर्ष है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि विभिन्न राज्यों में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश में इस प्रणाली का आरंभ वर्ष 1958 में किया गया था, बिल्कुल गलत है। कर्नाटक में यह प्रणाली 1962 में शुरू की गई थी, यह बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम यह व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुई थी, तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि 2 अक्टूबर वर्ष 1959 से इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में नगर परिषदों के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखभाल हेतु निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो मध्य प्रदेश के नगर परिषदों के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखभाल हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी आवश्यक है। कौन? मुख्य नगरपालिका अधिकारी या CMO, इसे हम चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य 11वीं अनुसूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। सिंचाई का प्रबंध करना बिल्कुल सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS में सहायता करना, यही बिल्कुल सही है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, तो यही बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो ब्लॉक या विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत का गठन किया जाता है।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो स्थापना है अप्रैल 2001 से मानी जाती है, कब से, अप्रैल 2001 से। और वर्तमान में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्य कर रहे हैं, तो वर्तमान में लगभग 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अधिनियम दिए गए हैं और उससे संबंध वर्ष पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम यह कब आया था, तो मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम है यह वर्ष 1993 में आया था। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था, तो मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम है यह वर्ष 1996 में आया था, ना कि वर्ष 2000 में। और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यह बिल्कुल सही है। और 73वां संविधान अधिनियम वर्ष 1992, तो यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना कब की गई थी, या स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 15 नवंबर 2007 को, कब, 15 नवंबर 2007 को पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ती हुई गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि सुशासन दिवस है, गुड गवर्नेंस डे, किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सुमेलित कीजिए, मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो 89 है, कितनी, 89। और मध्य प्रदेश में कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है, तो 264 है। मध्य प्रदेश में कुल नगर परिषदों की संख्या 264 है। मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम 16 हैं और मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं, तो किसी भी राज्य का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन भत्ते रहते हैं वह संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन जो उनकी पेंशन रहती है वह भारत की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए हैं, जैसे विकास दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विकास दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो यह 6 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है यह राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 टा या अनुच्छेद या आर्टिकल 243 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत दर्पण क्या है, तो पंचायत दर्पण एक प्रकार की है वेबसाइट है, पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित एक वेबसाइट है, क्या, पंचायत दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार किया गया है। किसका, राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है, तो राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है विधान परिषद होता है, कौन सा, विधान परिषद। और इसका गठन अनुच्छेद 169 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए कौन मुख्यमंत्री रहा था, तो अर्जुन सिंह रहे थे, मात्र एक दिन के लिए, कौन, अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, जबकि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाँव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण किसकी जिम्मेदारी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है गांव के विकास करना, जिसके अंतर्गत गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण आदि। नेक्स्ट कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, किसे, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, बिल्कुल सही है, तो इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है, और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत किया गया है। और नेक्स्ट है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा, तो
तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते उस राज्य की विधान मंडल विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 164(5) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श से की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और संघीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो मुख्य खंडपीठ तो जबलपुर में स्थित है, और इसके अलावा इंदौर और ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है और भोपाल में भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है दी, तो राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से ही राज्य में शासन संचालन करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत एवं निधि कोष का संचालन किसके माध्यम से होता है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम पंचायत निधि कोष होता है जो पंचायत के आय व्यय का लेखा होता है, और इसका संचालन है जो ग्राम प्रधान, कौन? ग्राम प्रधान, और जो पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज प्रणाली किस समिति की समीक्षा पर आधारित थी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए एमपी दुबे कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 5 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है कौन होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के महू में किस प्रसिद्ध नेता का जन्म हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में किस प्रसिद्ध नेता का जन्म हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी बाबा साहेब अम्बेडकर का। किसका? बाबा साहेब अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य की विधानसभा का सत्र अफसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्य की विधानसभा का सत्र अफसान का जो आदेश है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, यह सत्र अफसान और उसका विघटन करता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राज्यपाल है जो विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/6 सदस्यों। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन है कब किया गया था, 23 अक्टूबर 1996 को। कब? 23 अक्टूबर 1996 को। नेक्स्ट है कि राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्य के महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है यह निश्चित नहीं किया गया है, अर्थात इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह अपना पद धारण करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक आयुक्त संगठन की प्रशासकीय शाखा के प्रमुख कौन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सचिव होता है। कौन? सचिव इसका प्रमुख होता है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की जो प्रशासकीय शाखा रहती है उसका प्रमुख सचिव लोकायुक्त होते हैं, और यह है मध्य प्रदेश शासन के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है, बिल्कुल सही है। पंचायत 9 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं होगी, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिए भंग नहीं होगी। और नेक्स्ट है कि हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ लोक सेवा से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान अनुच्छेद 316 के अंतर्गत किया गया है,
लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो प्रावधान है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत किया गया है, लोक सेवा आयोग के व्यय का जो प्रावधान है अनुच्छेद 322 के अंतर्गत किया गया है, और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय सुशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया। तो जो 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, कौन सा 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसी के अंतर्गत स्थानीय सुशासन को एक हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। तो उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो अधीनस्थ न्यायालय को किसका, अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है किसके पास, उच्च न्यायालय के पास, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 227 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है विधानसभा के सदस्य करते हैं, कौन, विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो विधानसभा अध्यक्ष है जो अपना त्याग पत्र या विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, किसे, विधानसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के पद नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 35 वर्ष है, कितनी, 35 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का जो गठन है 1 मार्च 1964 को किया गया था, कब, 1 मार्च 1964 को किया गया था। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस यूनिट पर चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।